नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो स्पेशल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में पहली बार आरसीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रहते हैं कि आरसीईटी एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आरसीईटी एग्ज़ाम में हमें ओमर सीट किस तरीके से भरनी होती है, एग्ज़ाम वाले दिन हमें हमारे घर से क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना कंपलसरी है, एडमिट कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा या एग्ज़ाम सेंटर पर हमें क्या कुछ दिया जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं ये हर एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, और ये विशेषकर जो स्कूल्स के स्टूडेंट होते हैं 8th क्लास के 9th क्लास के या 10th क्लास के, क्योंकि वो पहली बार किसी यूनिवर्सिटी का या ओमआर सीट पर पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके मन में एक सबसे बड़ा डर सा एक बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी आरसीईटी का पहला एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी एग्ज़ाम वाले दिन आपको घर से क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना जरूरी है, एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको बुकलेट के साथ जो आंसर शीट दी जाएगी उसको किस तरीके से भरना है, ये सब कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सुथार स्मार्ट काउंटिंग आरसीनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना परमिशन लेटर लेना होगा, जिसे कि हम प्रवेश पत्र भी बोल देते हैं, एडमिट कार्ड भी बोल देते हैं। ये परमिशन लेटर है जो आपको जहां से आपने आरसीईटी का फॉर्म भरा था वहां से आपको मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके का परमिशन लेटर मिलेगा, यहाँ आपका लर्नर कोड रहेगा जिसे हम स्कॉलर नंबर भी बोल देते हैं, और यहाँ पर आपका सेंटर का कोड रहेगा और यहाँ पर सेंटर का नेम रहेगा भी आपका जो सेंटर है कहाँ पे आया है और उसका एड्रेस रहेगा, और उसके बाद में ये सारी आपकी डिटेल रहेगी। यहाँ पर आपका रोल नंबर भी रहेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट का नाम रहेगा, नेम ऑफ फादर्स नेम, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपको आपके कंप्यूटर सेंटर से या जहाँ पर भी आपने अपना फॉर्म सबमिट किया था आरसीईटी का वहां से आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा आरसीईटी का, तो उस दिन आप अपने साथ में एक बॉल पेन और आधार कार्ड ओरिजिनल ये साथ में लेके जाना कंपलसरी है, क्योंकि ये आरसीईटी की गाइड में ये सब कुछ लिखा हुआ है भी अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है विद फोटो और आप नाम और फादर्स नेम के साथ में, तो ही आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने दिया जाएगा, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आप अपनी ओरिजिनल आईडी साथ लेके जाना ना भूलना। तो ये तो था परमिशन लेटर। अब ये आपको जब भी आप सेंटर में जाओगे तो आपको वहां पे एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो अक्टूबर 2019 है, तो यहां पर आपको दिसंबर 2020 लिखा हुआ मिलेगा, और ये इसकी बुकलेट की सीरीज है। ये चार सीरीज होती है, ए बी सी डी। अब आपको ए भी मिल सकती है, बी भी मिल सकती है, सी भी मिल सकती है और डी भी मिल सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन बुकलेट का नंबर लिखा होता है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये आपका रोल नंबर जो कि आपको परमिशन लेटर में मिल जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर तो आपको लिखना है अंकों में, और उसके बाद में यहाँ पर आपका लर्नर कोड जो कि ये 18 डिजिट का होता है, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये लर्नर कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा, और उसके बाद में एग्जाम सेंटर कोड, और ये एग्जाम सेंटर कोड भी आपको आपके परमिशन लेटर पे मिल जाएगा यहाँ पर, ये 3409 का। तो ये तो थी क्वेश्चन बुकलेट जो कि आपको एग्जाम सेंटर पर दी जाएगी, और यहाँ पर इसकी सील रहती है, और ये सील आपको इसके दिशा निर्देश अनुसार भी प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपको कहा ना जाए, यानी कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए, टाइम पूरा हो ना जाए स्टार्टिंग का, तब तक आपको ये सील है जो ओपन नहीं करनी है। और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपको एक ओमर सीट मिलेगी इस टाइप की। तो ये दो ओमर सीट रहती है, एक ओरिजिनल रहेगी इसके ऊपर, ये तो डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहां पर अपना रोल नंबर, तो रोल नंबर ऊपर तो आप बिल्कुल अंकों में लिखोगे, और ये भी आपको पता है आपको अपने प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा परमिशन लेटर पर भी, जैसे
203780। तो इसके साथ साथ जो कंपलसरी है और विशेषकर जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही है कि आपने जो यहाँ पर जो कॉलम ये जो दिए हुए हैं इन कॉलम को सही तरीके से फिलअप करना होता है, यानी कि बॉल पेन से। पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, ये बॉल पेन से इसको बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है। ये किस तरीके से करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। आप देख सकते हो, ये देखो जैसे ये इसका रोल नंबर है, तो हमें ये बिल्कुल इसको जो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल 1 2 3 4। अब जैसे इसका 2 है तो हमें इस तरीके से 9 0 से लेके 9 तक यहाँ पर लाइनें मिलेगी। अब आपका जैसे 203780 है तो आपको पहले 2 पे इसको राउंड यानी कि इसको ब्लैक करना पड़ेगा, उसके बाद 0 है तो ऊपरी ऊपर आपको 0 मिलेगा, इसके साथ आपको 0 करना है। उसके बाद 3 है तो आपको यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा हुआ है इसको आप ब्लैंक करोगे पेन से। उसके बाद 7 है तो 7 को भी आप यहाँ से ब्लैंक करोगे, और इस तरीके से 8 को और 0 को भी। तो यानी कि हम इसको रोल नंबर इस तरीके से हमें बॉल पेन से डॉट करना है, यानी कि इसको ब्लैक करना है। और उसके बाद इसका परीक्षा केंद्र कोड ये भी आपको अपने प्रवेश पत्र में मिल जाएगा, 3409। तो सेम इसी तरीके से इसको भी फिलअप करना है। जैसे 3 है तो हम 3 को यहाँ पे पेन से ब्लैक करेंगे, उसके बाद 4 को, फिर 0 को, और फिर इस तरीके से इसको 9 को। और उसके बाद में आपकी बुकलेट की सीरीज, जो हमारी ये बुकलेट थी इसकी सीरीज है ए। तो आप यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। अगर आपका ए है तो आप ए को करोगे, बी है तो बी को करोगे, सी है तो सी को करोगे, डी है तो डी को करोगे। ये आपको केयरफुली करना है, ए को आप 2 बार नहीं कर सकते। जैसे आपको सीरीज तो आपकी ए है लेकिन आपने गलती से पहले बी पे डॉट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला ए है तो आप इसको कटिंग करोगे और बाद में ए करोगे तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट का नंबर वैसे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा भी आपकी बुकलेट का नंबर क्या है। आप इसको देख के भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, नहीं तो आप जो आपके पास ओमआर सीट थी ये वाली बुकलेट इसके इस देख के आप 206033 को भी देख के वहां पर लिख सकते हो इस ओमआर सीट में। तो सेम इस तरीके इसी को भी हम डॉट डॉट से देख के इस सीरीज को, 2 है तो 2 को, 0 है तो 0, 6 को तो 6, 0 फिर 333 को, एक ही लाइन में दो हमें गोले को ब्लैंक नहीं करना, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो था रोल नंबर, उसके बाद में परीक्षा केंद्र का कोड यानी कि एग्जाम सेंटर का कोड, उसके बाद आपकी बुकलेट की सीरीज, और उसके बाद में बुकलेट की संख्या। तो यहां तक तो आपकी जो आपके एग्जाम में जिस टीचर्स की ड्यूटी होगी वो भी आपको बता देगा। तो उसके बाद आपको जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको अपने ध्यान से करना है बिल्कुल केयरफुली। सेम इसी तरीके से हमें जो आंसर रहेंगे, ये टोटल 35 नंबर का पेपर होता है और 35 नंबर के आगे भी हमें ये डॉट डॉट करना होता है जिसका सही आंसर है। तो मैंने ये यहाँ पे 4 तरीके आपको बताए हैं भी किस तरीके का होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो आप देख सकते हो भी यहाँ पे एक लाइन में एक क्वेश्चन का जो हमें एक बार ही आंसर देना है। तो अगर आपने जैसे ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, तो ये वो बुकलेट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक साइड में आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा और उसके सामने आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप एक देख रहे हो कि आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग से कर सकते हैं, तो अगर इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। अगर आपको लगता है भी इसमें जो सही आंसर इसका सी है, तो आपको आपने जो आंसर शीट है इसमें आपको ये ए बी सी डी आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको सी वाले कॉलम को बिल्कुल डार्क करना है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है भी आपने जो डार्क किया है वो इस घेरे के अंदर अंदर ही रहे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर आपको यूं लगे भी इसका आंसर बी था और बाद में पता चला भी सही आंसर इसका सी है, तो अगर आपने एक ही क्वेश्चन में अगर आपने दो ऑप्शन को अगर ब्लैक कर दिया हो, दो करो का आपने काले कर दिया हो, तो ये आपका गलत माना जाएगा। अगर आपने बिल्कुल सही भरा है लेकिन इसको आपने आधा अधूरा भर दिया, यानी कि पूरा जो डॉट है ये पूरा बीच में से नहीं भरेगा और इसको आपने आधा अधूरा डॉट कर दिया, तो ये भी गलत माना जाएगा। और अगर आपने इस पे टिक का निशान लगा दिया, यानी कि आपने इसको
ब्लैंक करने के बजाय इसको गोले को आपने ब्लैंक करने के बजाय इस पे सीधा टिक का निशान लगाया तो भी ये गलत माना जाएगा। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है, आंसर आपको बिल्कुल सोच समझ के देना है। आपको एक बारी में एक क्वेश्चन का एक कॉलम को ही आपको ब्लैंक करना है, आप दो नहीं कर सकते, आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते और इस पे आप टिक मार्क नहीं कर सकते। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपके सामने ये टोटल आंसर की है और इस आंसर की में ये टोटल 35 क्वेश्चन है और इन्हीं 35 क्वेश्चन को आपको सही तरीके से फिलअप करना होगा। तो दोस्तों अगर आपने 35 के 35 क्वेश्चन सही कर दिए, लेकिन अगर आपने इसमें से कहीं गलती कर दी रोल नंबर लिखने में, परीक्षा के अंदर कोड लिखने में, या सीरीज लिखने में, या फिर इसकी जो बुकलेट संख्या इसमें, तो आप भी फेल हो जाओगे, आपका जो स्कैनर है वो रिजेक्ट कर देगा इसको। और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स विद्यार्थी का जो विवरण है इसमें आपका रोल नंबर, आप रोल नंबर यहाँ से आपको यहीं से भी देख सके भर सकते हो, तो ये रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। और उसके बाद में आपका जो लर्नर कोड या स्कॉलर कोड है वो भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। और उसके बाद में आपका नाम, अपने प्रवेश पत्र भी पर भी देख सकते हो, पिता का नाम भी आप प्रवेश पत्र से देख के भरना। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपके प्रवेश पत्र पे यानी कि एडमिट कार्ड पे जो लिखी हुई है उसको देख के आपको फिलअप करनी है। और यहाँ पर एड्रेस, जो आपके पास आईडी है, आधार कार्ड वगैरह, उसमें जो एड्रेस लिखा होता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। और उसके बाद में डेट ऑफ एग्जाम यानी कि परीक्षा तिथि, तो यहाँ पर आप 6/12/2020 यानी कि या जिस भी डेट को आप एग्जाम दे रहे हो वो डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में आपके जो सिग्नेचर रहेगी भी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यानी कि जिसकी ड्यूटी आपके एग्जाम में हॉल के रहेगी, और यहाँ पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर जो जो स्टूडेंट्स हैं उसको खुद को ये साइन करने पड़ेंगे। और उसके बाद में जो इसकी ओरिजिनल जो ओमर सीट है वो आपसे प्रवेश ले लेगा एग्जाम होने के टाइम होने के बाद में, और ये इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है ये आप अपने साथ लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर भी अगर आपके किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, इसकी हम रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।